प्लीज मुझे भी झूलना है, प्लीज मुझे भी झूला झुलाओ ना। ठीक है, आ जाओ तुम भी, इधर ऊपर आकर खड़े हो जाओ। वाह, मजा आ रहा है वीर, थोड़ा और तेज धक्का लगाओ ना। हाँ, और तेज और तेज वीर, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। चड्डा अंकल। अरे भाई सुनो, सभी दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है कि चड्डा साहब कार स्टार्ट करने वाले हैं। अरे ये क्या, मैं तो सचमुच हवा में हूँ। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बोल तो रहा हूँ नहीं। आओ भाई, वो आ जाओ, खोल लो भाइयों अपनी अपनी दुकानें, खतरा टल गया है। दादाजी बहुत तेज भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट में कुछ है क्या? वीर बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज ब्रेकफास्ट तुम लोग ही बना लो। ठीक है दादाजी, आज का ब्रेकफास्ट जिंटू बनाएगा। तो जिंटू, आज के शेफ तुम हो, तो क्या खिला रहे हो नाश्ते में? वाओ, पहली बार एकदम सही जा रहे हो जिंटू। ये सब क्या है, सब कुछ हवा हवाई कैसे हो रहा है? वीर, जरा उधर भी तो नजरें घुमा कर देखो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी जासूसी कर रहा है। मैं तो चला यहाँ से, तुम लोग ही उससे निपटो। ये चुप चुप कर क्या देख रहे हो? चड्डा अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। चड्डा अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग वीर। सर के भूत हैं, जो अंदर जाता है भूत उसे कबूतर बना देता है। नहीं, रुको। जल्दी भूत के कपड़े पहनो, वो लड़की आती ही होगी, उसे डरा के भगाना है। मैंने देख लिया, तुम लोग भूत नहीं हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, छोड़ा तो तुम दूसरों को जाके बता दोगी यहाँ भूत नहीं इंसान है। अब तक हमारा चोरी और स्मगलिंग का काम यहाँ पूरा नहीं हो जाता, तुम हमारे पास ही कैद रहोगी। सारिका को भूतों ने कबूतर बना के उड़ा दिया। दादाजी हमारी मदद कीजिए। क्यों, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? आज मेरी बच्ची सारिका को पकड़ के कबूतर बना के उड़ा दिया। मेरी मदद कीजिए प्लीज।
ठीक है ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है, है? मैं भी आपके साथ चलता हूँ दादाजी, मैं सारिका को भूतों से छुड़वाऊंगा। तुम कितने बहादुर हो वीर। मैं भी बहादुर हूँ बहादुर, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। मैं तो अकेला जाकर ही सारिका को वापस ले आऊंगा। चलो चलो सब चलते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो चुलबुल, बॉल को इधर फेंको। हाँ इधर। अरे पहले गाजर तो खा लूं। ओहो, गई बॉल गाड़ी के नीचे। अब बॉल को यहाँ से कैसे निकाले? तुम्हें इतने जोर से किक लगाने के लिए किसने कहा था? मैंने तो नॉर्मल किक ही लगाई थी। तुम्हें तो पता ही है कि हम डोंकी लोगों की नॉर्मल किक भी कितनी पावरफुल होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से बॉल को कैसे निकाले? एक आइडिया है मेरे पास, तुम लोग नजर रखो, कोई देख तो नहीं रहा। आज तो बड़ी गुड गुड टाइप की मॉर्निंग लग रही है। मेरी कार को क्या हुआ? चिंटू, चड्डा अंकल धरती पर लैंड कर चुके हैं। उन्होंने हमें देख लिया तो गजब हो जाएगा। जल्दी से काम करो। अभी लो बॉस। मेरी कार कहाँ गई? जिंटू कार वापस लाओ। अरे हमें गायब करना था, कार को नहीं। मेरी कार, मेरी इकलौती और प्यारी कार कहाँ गायब हो गई? जिंटू जल्दी वापस लाओ ना चड्डा की कार को। ये लो आ गई। बंटी की मम्मी, तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? सब नॉर्मल करो पहले जैसे। तुम कभी ठीक से ऑर्डर नहीं दे सकते क्या? बताना था ना कि कार को नहीं तुमको गायब करना है। क्या हो रहा है मेरे साथ? बंटी की मम्मी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों सारा मोहल्ला सर पर उठा रखा है? क्योंकि मेरे सर से पांव तक की लंबाई सिर्फ 1 फुट की हो गई है। ये देखो। ये क्या हुआ? मेरी कार तो वहाँ है, फिर मैं क्या ये सपना देख रहा था? वो कुछ नहीं हुआ बंटी की मम्मी। लगता है मैं कोई सपना देख रहा था। तुम बाप बेटे एक ही जैसे हो, कभी वो तंग करता है तो कभी तुम। मैं अभी तुम्हें पकड़ लूंगा। वीर, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें गाजर खानी होगी। गाजर में विटामिन ए होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चड्डा अंकल। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? कौन है, कौन है जो मेरे ऊपर कूदा है? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। ओए, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली क्यों लिया? कौन है, कौन है? दादाजी ये मेरे भाई हैं, अमेरिका में रहते हैं। एयरपोर्ट से यहाँ आते समय कुछ गुंडों ने इनका सामान लूट लिया। कैसे लूट लिया, क्या हुआ? मैं टैक्सी में बैठा था। ऐसा लगता है कि कैब ड्राइवर उन गुंडों से मिला हुआ था। टैक्सी ड्राइवर को मारने पीटने का सब ड्रामा होगा ताकि उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ना ले।
जरूर टैक्सी ड्राइवर उन गुंडों से मिला हुआ होगा। क्या आप उसे दोबारा पहचान सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके दाहिने गाल में एक बड़ा सा काला मस्सा है। चोर है वो, चीटर है। वो ही नहीं, यहाँ के सब टैक्सी वाले चीटर है, चीटर। नहीं अंकल, सब चीटर नहीं है। हमारे यहाँ तो गेस्ट को गॉड मानते हैं। हाँ, अतिथि देवो भव कहते हैं। देखिएगा, वो टैक्सी वाला जरूर आपका सामान वापस करके आपसे माफी मांगेगा। ओ, ये तो इम्पॉसिबल है। दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ही वीर होता है। ये वीर कहाँ चला गया बिना बताए? मैं सोच रहा था उसे ही उस बदमाश टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने भेजूं, और इसका पता नहीं कहाँ खेल रहा है ये। चलो अब मैं ही इमली के अंकल को एयरपोर्ट ले जाके उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता हूँ। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन लूडो में तुम मुझे नहीं हरा सकते। देखते हैं बॉस, आगे आगे देखो होता है क्या। वीर, मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे गाजर चाहिए। प्लीज मुझे गाजर लाकर दो ना। बस गेम फिनिश हो जाने दो, मैं बाजार से जाकर तुम्हारे लिए गाजर ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। अरे रुको ना, थोड़ी देर खेलने दो ना। कहाँ ना, अभी जाता हूँ। ये देखो, मेरा फिर से सिक्स आया है। ये क्या चक्कर है, तुम्हारे सबसे ज्यादा सिक्स आ रहे हैं? तुम अपने मैजिक से ये सब नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा। ये देखो, ये देखो, मेरा फिर से सिक्स आया है। वीर, तुम्हें नहीं जाना गाजर लेने तो मना कर दो, मैं खुद बाजार जाकर गाजर ले आऊंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ ना, खुद ले आओ। अपना काम खुद करना सीखो, समझे? हाँ तो जा रहा हूँ ना। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है? तो जा रहा हूँ मैं। वीर, तुम्हें चुलबुल पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसे नाराज कर दिया। पता है ना, गुस्सा करना बुरी बात है। आई नो यार, पर तुम परेशान मत हो, चुलबुल को मैं जानता हूँ, दोस्त है मेरा। थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। अरे वाह, मौजा ही मौजा, गाजर ही गाजर। वीर क्या सोचता है, वो मुझे गाजर लाकर नहीं देगा तो मुझे गाजर नहीं मिलेगा क्या? अरे वाह, बड़ा तंदुरुस्त गधा मिला है भाई। इसको पकड़ लेता हूँ, कपड़ों की पोटलियाँ ढूंढने के लिए इससे बढ़िया गधा नहीं मिलेगा। इसको गाजर पसंद है। लो जी, इसे पकड़ने की तरकीब भी मिल गई। अरे वाह, गाजरों की लाइन, लगता है आज ऊपर वाला मुझ पर बहुत मेहरबान है। आज तो सारे गाजर चट कर जाऊंगा। जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं यहाँ कहाँ फंस गया? सुबह से लगातार काम करवाया जा रहा है ये आदमी, और यहाँ ना कोई मेरी बात सुनने वाला है और ना ही कोई मेरी हालत समझने वाला। चल चल काम कर, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, चल चल जल्दी काम कर, चल। ए मैड मैक्स, बहुत दिन हो गया, हमने तुमको $5 million दिया था और तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमें प्रेम सहाय का बनाया हुआ रोबोटिक मैन लाकर दोगे, लेकिन तुम अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारा $5 million वापस कर दो। मैं वही तो करने में लगा हूँ, दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ। मैंने तुम्हें सपने देखने के पैसे नहीं दिए, डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ला कर दो मुझे। मेरा सपना उस रोबोट को ही पकड़ने का है, और उस सपने को पूरा करेगा ये रोबोट एनाकोंडा।
ये क्या करेगा? ये जमीन के अंदर ट्रेवल करेगा और जमीन के ऊपर जो भी ह्यूमन शेप मेटल के रूप में दिखेगा उसे निकल के यहाँ ले आएगा। मेटल का ह्यूमन शेप सिर्फ डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ही हो सकता है। मियाओ, बॉस, यू आर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। आप सच में जीनियस हो। ये देखिए, मैंने प्रेम सहाय के रोबोट की एक डमी बनाई है। अब एनाकोंडा रोबोट इसे पकड़ लेगा और हमें पता चल जाएगा कि एनाकोंडा रोबोट अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अरे ये क्या? Sorry, boss. Mad Max is mad. Very, very mad. Timbuktu, उस डमी रोबोट को मेरे पास रखने की क्या जरूरत थी? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। Sorry, boss. गलती हो गई। तो अब गलती की सजा भी भुगत। नहीं, नहीं, boss. Boss. अब ये देखो मेरा शॉट, संभालो। वो, वो,